अगर एक ट्यूब को, कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में डुबो दें तो वो हाइट जो है अटेन कर लेगी, उस हाइट का फॉर्मूला 2t cos θ / r ρg, वेयर स्मॉल r इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड थीटा का मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके बेस पे आपका जो पहला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज गिवन। देखो दो रेडियस यूज होते हैं, या तो मेनिस्कस का या कैपिलरी का। मेनिस्कस का बड़ा आर, तो अगर बड़ा आर यूज करना है तो कॉस थीटा नहीं आता उसमें, और ट्यूब का रेडियस यूज करना है तो कॉस थीटा भी आता है, हमने लास्ट टाइम डराइव किया था। तो इसमें क्योंकि ट्यूब का रेडियस गिवन है तो मैं स्मॉल आर वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो ये फॉर्मूला है। तो ट्यूब ऑफ कैपिलरी की वैल्यू आपको स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है 25 mm, 25 mm सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मीटर। इट इज हेल्ड वर्टिकली इन अ लिक्विड हुज डेंसिटी इज गिवन। डेंसिटी पता है, सरफेस टेंशन पता है, और कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी पता है। कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब कॉस थीटा की वैल्यू पता है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 0.3। क्या निकालना है आपको? कितनी हाइट अटेन हुई। तो हाइट अटेन करने के लिए 2t cos θ / r ρg का फॉर्मूला था। आपको सिग्मा पता है, आपको कॉस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू 0.3 पता है, आपको रेडियस पता है, आपको डेंसिटी पता है, आपको जी पता है, सॉल्व करके आपके पास हाइट आएगी। तो जिन्होंने कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस ऑफ 130 गिवन कर लो, -0.367। कॉस ऑफ 130 इज -0.367। तो इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब है जिसका इनर डायमीटर पता है। कैपिलरी ट्यूब का इनर डायमीटर का मतलब आपको रेडियस की वैल्यू भी पता लगेगी, इसमें ट्यूब का रेडियस पता है। डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी रो पता है, रो वाटर की डेंसिटी 1 से मल्टीप्लाई करके रो आ गया। सरफेस टेंशन CGS में पता है। कॉस थीटा की वैल्यू मैंने आपको दे दी। फाइंड डिप्रेशन या एलिवेशन, कैसे पता लगता है लिक्विड डूबेगा या ऊपर चढ़ेगा? नहीं, कैसे आपको इसमें क्या ऐसा लगा कि पता लगा कि नीचे गिरेगा? ना, नहीं, थीटा ग्रेटर देन 90 है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, मरकरी 120 था, तो पक्का आपकी हाइट नीचे गिरेगी। और अगर थीटा लेस देन 90 है तो वो लिक्विड की सरफेस को वेट करता है और सरफेस ऑफ ग्लास उसे ऊपर चढ़ा देता है। तो इस केस में क्या होगा? इसमें नीचे ही गिरेगा। तो इस केस में नीचे गिरेगा, तो कितना नीचे गिरेगा ये क्वेश्चन है। रेडियस पता है, डेंसिटी पता है, सिग्मा पता है, और कॉस 130 मैंने आपको दे दिया। तो यहां पर जो वैल्यूज पुट करेंगे, सिग्मा पता है, कॉस थीटा पता है माइनस में, आर रो जी, और हाइट नेगेटिव में आएगी। जो भी आएगी, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि डिप्रेशन है, नीचे गिरेगी। पॉजिटिव का मतलब एलिवेशन है, नेगेटिव का मतलब डिप्रेशन है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच। मेथड क्लियर है यहां तक? तो एसेंट फॉर्मूला के ऊपर क्या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है, ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब। तुम्हें क्या निकालना है? छोटा आर, इन विच मरकरी इज डिप्रेस्ड। मरकरी नीचे गिर रही है तो हाइट पॉजिटिव मत लेना, हाइट नेगेटिव लेना। गिवन सरफेस टेंशन पता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 140, तो कॉस ऑफ 140 गिवन कर लो, वो नेगेटिव वैल्यू है, और आपको आर निकालना है, और इसमें डेंसिटी भी पता है। तो लगाओ फॉर्मूला इसमें, इस फॉर्मूले में आर पता है, एच पता है, सिग्मा पता है, थीटा पता है, और कॉस ऑफ 140 भी पता है। क्योंकि इसमें 140 है तो डिप्रेशन होने वाला है, तो हाइट इसमें नेगेटिव, नीचे गिरेगी हाइट। और आपको 2 पता है, टी पता है, कॉस थीटा पता है, आर नहीं पता, रो और जी पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर निकाल लेना आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि ये रूल कैसे लगेंगे इसमें? हाइट नेगेटिव है क्या करना है, हाइट पॉजिटिव है क्या करना है? आइडिया क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? इस क्वेश्चन को एक बार देखें। नहीं, इसमें क्या करना है?
दो क्वेश्चंस हैं. वाटर राइजेज इन अ कैपिलरी ट्यूब टू अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर. तो वाटर राइज हो गया 2 सेंटीमीटर. अब वो कह रहे हैं एक और कैपिलरी है जिसका रेडियस 1/3 है, उसमें कितनी हाइट अटेन हुई. हमने लास्ट टाइम किया था आर इन टू एच इज अ कॉन्स्टेंट. तो एच अगर 2 सेंटीमीटर है और रेडियस आर है, दूसरे केस में रेडियस आर बाई 3 है, तो हाइट निकालनी है, तो यहाँ से हाइट की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर. क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? एच इन टू आर इज अ कॉन्स्टेंट. बनाऊ ट्रिग्नोमेट्री? और पहली बात, इसमें तो मेनिस्कस का रेडियस है ही नहीं, ट्यूब का रेडियस है, तो एच इंटू ट्यूब का रेडियस वैसे ही कॉन्स्टेंट है. तो अगर ट्यूब का रेडियस चेंज करेंगे तो हाइट हमने किया था, ट्यूब का रेडियस चेंज करेंगे, छोटा करेंगे, हाइट बढ़ेगी, ट्यूब मोटी होगी, हाइट गिरेगी. हमेशा फोटो में भी दिखाया मैंने आपको, जितनी पतली ट्यूब होगी हाइट उतनी ज़्यादा होगी. तो ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर हाइट 2 सेंटीमीटर है, अगर मान लो हाइट, तो रेडियस आर है और आर बाई 3 पे हाइट तो 2 से ज़्यादा ही आएगी. फिर अगली प्रॉब्लम समझो, आपकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, ट्यूब आपने टेढ़ी कर दी, ट्यूब टेढ़ी करके आपका लिक्विड ऐसा दिख रहा है, देख रहे हो आपका लिक्विड ऐसा दिख रहा है, 60 डिग्री चेंज कर दिया. अब बोल रहा है कि ये हाइट कितनी है, लिक्विड की लेंथ बताओ कितनी है, एल कितना है, ये एल कितना है, और ये एच तो वही है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है. लगा लो कॉस थीटा, कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू एच बाय एल. एच तो फर्स्ट पार्ट में पता ही है 2 सेंटीमीटर है, ट्यूब को टेढ़ा करने से लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, बात खत्म. तो आप इसमें ये कैलकुलेशन कर लेना, एच सेम रखना, ये 2 है तो ये भी 2 है, और एल आपको निकाल लेना है. जब भी ट्यूब टेढ़ी होंगी तो कॉस थीटा लगेगा. ये और ये देखो ना, वर्टिकल हाइट सेम कर दी, ठीक. तो डायग्राम में ही गिवन है, इसमें मैं कुछ कर थोड़ा रहा हूँ, तो ये तो डायग्राम के अंदर ही गिवन है. किस में? अच्छा तुम्हें नहीं पता, तो भी हाइट सेम है, अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे उठ गई? वर्टिकल ग्रेविटी उठती है ना, वो तो ग्रेविटी का वर्टिकल एलिवेशन तो सेम ही रहेगा ना दोनों में, ऐसा मतलब इसके ऊपर ग्रेविटी हाइट नहीं अटेन करेगी, ठीक है. जैसे ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को करने के वैसे 2 तरीके हैं, मैंने थोड़ा बड़े तरीके से कर दिया. अच्छा है, ये तरीका भी बहुत सही, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आता है, पर इसको करने का एक मेरे पास छोटा तरीका भी है. पहले आप अपने दिमाग से देख लो क्या कर सकते हो इसमें, छोटा करो बड़ा करो जैसे भी करो, बस इसको सोचो कैसे करना है. समझते हैं, वो कह रहे हैं यूट्यूब इज मेड अप ऑफ कैपिलरीज ऑफ बोर 1 mm. बोर एक होल है, होल का डायमीटर दे रहा है वो आपको. तो 2 होल्स हैं, तो एक लेफ्ट और एक राइट, और 1 mm और 2 mm, मैंने इसका रेडियस निकाल दिया, R1 R2 आ गया. द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली एंड पार्शली फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन 49. इसमें सरफेस टेंशन है, तो यूट्यूब है, सरफेस टेंशन है. मुझे सिर्फ ये बताओ
यूट्यूब की प्रॉब्लम हमने पहले भी की थी प्रेशर चैप्टर में, इसमें द्वारा आ गई, यूट्यूब है। और इसके अंदर भी ये गिवन है जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जीरो कॉन्टैक्ट का मतलब जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो जहां पर कॉस थीटा आएगा कॉस जीरो इज वन, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि नहीं लेना वन हो जाएगा। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, अगर आपको लेवल का डिफरेंस मेनिस्कस में 1.25 गिवन है, ठीक है, तो 1.25 गिवन है। हाँ बताता हूँ, तो यानी कि एक तरफ से लिक्विड ज़्यादा है और एक तरफ से लिक्विड कम है। तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, या बता भी सकते हो ऐसा क्यों हुआ, ये लेवल में डिफरेंस कैसे आ गया जबकि डेंसिटी रेडियस, क्योंकि एक पतली ट्यूब है और एक मोटी ट्यूब है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। कितने लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है या ये सोल्यूशन आता है कि यूट्यूब वाली प्रॉब्लम तो कर ही रखी है, यहाँ और यहाँ प्रेशर की वैल्यू विल रिमेन सेम। देखो पहली चीज़ माइंड में ये आने वाली है आपके कि ऑलरेडी हमने क्वेश्चन किया हुआ है, तो यहाँ पर प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बॉटम पे विल रिमेन सेम, कोई डाउट इसमें? अच्छा वो कह रहे जी रेडियस सेम होता है, प्रेशर को रेडियस से क्या फर्क पड़ता है, वो तो एच देखता है। वो उसकी हेडेक नहीं है, वो कहते एच बता दो बस, तुम पतली ट्यूब लो मोटी ट्यूब लो शेप क्या लो मेरे को क्या लेना देना, प्रेशर क्या बोलता है, हाइट देखो क्या है। तुम मुझे ये बताओ कि जो तुमने वो क्वेश्चन किया था और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, पहला मेजर फर्क ना मनिस्कस। और मनिस्कस तुम्हारे दिमाग में क्यों आया, अगर ये मान लो पेपर में आ जाता है और तुम्हें ये नहीं पता लगता कि प्रेशर का क्वेश्चन है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है, तुम्हें क्या चीज़ ऐसी बता रही है कि इसमें मेनिस्कस लेना है और उसमें नहीं लेना। हमने प्रेशर के अंदर मेनिस्कस वर्ड भी नहीं यूज़ किया था, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सरफेस टेंशन, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट सरफेस टेंशन लिक्विड की गिवन है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है, यानी कि ये सरफेस टेंशन की प्रॉब्लम है और सरफेस टेंशन में एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस बड़ी ज़बरदस्त यूज़ करते हैं, तो हम मेनिस्कस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और जबकि जब हमने प्रेशर चैप्टर किया था उसमें सरफेस टेंशन की बात भी नहीं की थी, तो आप उसमें फ्लैट सरफेस ले सकते हैं, मतलब वो मेनिस्कस को कंसीडर नहीं करता, पर अगर उसने सरफेस टेंशन बोल दी फिर वो मेनिस्कस को कंसीडर करेगा। फिगर क्लियर है पहले तो यहाँ तक? और कब वो नहीं लेना कब मेनिस्कस लेना बात समझ में आती है, जो सरफेस टेंशन है मेनिस्कस लेना है, जब सरफेस टेंशन नहीं है मेनिस्कस नहीं लेना। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मेनिस्कस 1.25 है। मैंने इस क्वेश्चन को प्रेशर से कर दिया, कैसे? मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया कि मैंने एक लाइन खींच ली इस लाइन पे, इस लाइन पे, ये देख रहे हो यहाँ पे, अब लिक्विड इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, तो यानी कि बी पॉइंट का और सी पॉइंट का प्रेशर एकदम सेम है, राइट? तभी इक्विलिब्रियम है ना। ऐसा भी कर सकते हो यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम है, कोई बात नहीं, पर उसमें एक्स्ट्रा फिर एच रो जी ऐड करना पड़ेगा, उसको कोई फायदा नहीं है। तो बेटर है तुम एक लाइन खींच लो, और ये लाइन कहाँ से लेनी है, ऐसे मत लेना मैंने लाइन गलती से यहाँ ले ली, हवा है यहाँ पे, यहाँ मत लेना, हवा का प्रेशर थोड़ा ना यहाँ पी एटमोस्फेरिक होगा, तो वहाँ लेना जहाँ ये लिक्विड छोटा है और एक बड़ा है, तो छोटे से लाइन खींच के सी तक ले जाओ, ठीक है? और ऐसे बोलो बी और सी का प्रेशर सेम है। एक्चुअल में तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ और यहाँ का प्रेशर सेम है, पर एच रो जी ऐड करके कैंसिल करने का मतलब नहीं है, तो मैंने यहाँ और यहाँ का बोल दिया। अब बोलो बी पॉइंट का प्रेशर कितना है, पी एटमोस्फेरिक, बस ना, क्योंकि अगर ये फ्लैट होता तो पी एटमोस्फेरिक, अब क्योंकि ये फ्लैट नहीं है और मैंने बताया भी था लास्ट टाइम इसको यहाँ से इस तरीके का मेनिस्कस है, तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है यहाँ का प्रेशर कम है, तो कम है, तो B पॉइंट का प्रेशर क्या था, P एटमोस्फेरिक माइनस 2T/R2, सही है? और अगर मैं पूछूं कि यहां पे A पॉइंट का प्रेशर क्या है, A पॉइंट का पूछ रहा हूं, तो A पॉइंट का प्रेशर होगा P एटमोस्फेरिक ना माइनस, पानी में माइनस नीचे माइनस होता है, माइनस 2T/R2, पर मेरे को ए का नहीं चाहिए, मेरे को तो सी का चाहिए। अच्छा ये बताओ सी पॉइंट और ए पॉइंट दो पॉइंट है, पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए विल बी इक्वल टू क्या, एच रो जी, तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस एच रो जी, तो पी ऑफ सी की वैल्यू क्या आएगी, पी ऑफ ए क्या है, पी एटमोस्फेरिक माइनस
टू टी बाई आर टू प्लस एच रो जी। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट मारा है, वैसे आप अगर नोट करना चाहें तो ऐसे नोट कर सकते हैं, ऐसे याद रहेगा आपको। पहले पी सी माइनस पी ए करना है, फिर वहाँ से पी ए आएगा और फिर पी ए से पी सी की वैल्यू आएगी। अब एक प्रेशर तुम्हारे पास पी सी आ गया, एक प्रेशर तुम्हारे पास पी बी आ गया, और मुझे पता है पी सी और पी बी का प्रेशर सेम है। इक्वेट करके देख लो आंसर आएगा, चेक कर लो, इक्वेट करके देख लो आंसर आएगा। बोलो, जीरो कॉन्टैक्ट एंगल का मतलब थीटा जीरो है और कॉस जीरो क्या होता है, वन, तो थीटा जीरो लेना है, ठीक है। तो नहीं तो सरफेस, ये सरफेस टेंशन में ना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक, तो यहां पर इक्वेट करें पी सी और पी बी की वैल्यू को, इक्वेट करें और चेक करें। आंसर 0.8 नहीं है, 8 सेंटीमीटर की 8 डेंसिटी, हाँ 8 के आसपास तो आ रहा है कुछ, मुझे याद नहीं पर 8 के आसपास ही है कुछ, या 0.8 है, 8 ही मुझे याद, 0.8 तो नहीं है, लिक्विड है, हो भी सकता 8 भी, 13.6 तो मरकरी की डेंसिटी भी होती है। मेथड समझ में आ रहा है सबको? तो ये एक लंबा तरीका है जिससे मैंने कर दिया, ये मैंने ऐसे किया, फिर करने के बाद मेरे को याद आया मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अच्छा 980 है, ओके चलो जो भी है, मेरे को याद आया मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इसका एक शॉर्टकट भी है, बोलो क्या, क्या फॉर्मूला लगाऊँ? एसेंट फॉर्मूला, कैपिलरी ट्यूब है, किसी ने कैपिलरी ट्यूब को नीचे लिक्विड में डाला, पानी राइज हुआ, तो बेसिकली क्या हुआ, जब ये लिक्विड राइज हुआ तो एक तरफ से लिक्विड कितना राइज हुआ, 2t cos 0 by r1 rho g, और दूसरी ट्यूब में कितना राइज हुआ, 2t cos 0 by r2 rho g, और फिर मैं अगर इन्हें माइनस कर लूं तो 2t cos 0 तो 1 है और rho into g तो आपके पास क्या आया, 1 by r1 minus 1 by r2। तो क्यों ना तुम सीधा R1 R2 को पुट करके, और ये डिफरेंस ऑफ हाइट तुम्हें 25 गिवन है, ये वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लो, तो आंसर एक मिनट में आ जाएगा। ये ज़्यादा बेटर था जो मैंने किया, वो एक्चुअल डेरिवेशन की है, पानी ऊपर चढ़ता है तो प्रेशर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत देखे हैं इस तरीके से सॉल्व होते हुए, ऑब्जेक्टिव में ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होता है, ठीक। बट इस क्वेश्चन के अंदर आप एसेंट फॉर्मूले को माइनस करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक? तो ऐसे करेंगे तो भी सही है, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो H1 माइनस H2 की वैल्यू आएगी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आंसर आएगा।